और तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वह जैसे ही मुड़ता है, श्रीनगर नाम के एक गांव में शुभम नाम का एक लड़का रहता था। शुभम एक बहुत ही घूमने फिरने वाला लड़का था। वह कोई काम धाम नहीं किया करता था और सिर्फ अपने पिता के पैसों पर इधर उधर घूमने जाया करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना राजस्थान घूम कर आया जाए, और वह यह सोचकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे कुछ रुपए मांग कर राजस्थान घूमने जाने के लिए निकल जाता है। जब वह राजस्थान पहुंचता है, तब वह समझ नहीं पाता कि वह घूमने की शुरुआत कहाँ से करे। वह एक आदमी से पूछता है, भाई यहाँ की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? वह आदमी उसे मजाक मजाक में ही कह देता है कि भांगड़ के किले में ही चले जाओ। तब शुभम को उस भांगड़ के किले का रहस्य ना पता होने के कारण वह भांगड़ के उस किले में घूमने जाने का फैसला कर लेता है। वह सोचता है कि यह नाम से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, वह जगह तो घूमने में काफ़ी मज़ेदार होगी। यह सोचकर वह भांगड़ के किले देखने के लिए निकल पड़ता है। जब वह उस भांगड़ के किले में पहुंचता है, तब वहां देखता है कि वहां पर कई सारे लोग घूमने के लिए उस जगह के अंदर जा रहे हैं। उसने देखा कि उस किले के अंदर बहुत से लोग घूम फिर भी रहे थे। तब उसने सोचा, वाह ये तो काफी मजेदार जगह लगती है। वह तुरंत ही उस किले के अंदर घूमने के लिए प्रवेश कर जाता है। जैसे ही समय बीतता है, वह जैसे ही उस किले के अंदर जाकर आसपास की जगहों पर घूम लेता है, तब उसे उस किले के एक सामने ही एक दरवाज़ा नज़र आता है। वह उस दरवाज़े को देख थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि वह दरवाज़ा काफ़ी पुराने ज़माने का और काफ़ी मजबूत लग रहा था, और क्योंकि वह दरवाज़ा बंद था और उस दरवाज़े के आसपास कोई भी नहीं था, वह सोचने में लग गया कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या होगा। वह फौरन ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तब उसने सोचा कि ये तो बड़ी ही बेकार सी दरवाजा है, शायद इसीलिए कोई भी दरवाजे को खोल के इसके अंदर नहीं जाता। जैसे ही वह उस दरवाजे को छोड़कर आगे बढ़ने लगा, तब उसे उसी के पास एक कमरा नजर आया जहां पर कोई भी दरवाजा नहीं था। वह जैसे ही उसके थोड़े ही अंदर जाता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। वह किले का सबसे अंतिम छोर था जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं नजर आ रहा था। उसने सोचा कि आखिर यहाँ पर कोई भी लोग क्यों नहीं है, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग जगह लगती है। और वह सोचने लगता है कि आखिर यह सीढ़ी कहाँ जाती होगी। वहाँ पर कोई भी नहीं था और उसे दूर दूर तक वहाँ पर कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर जाकर देखा जाए, और क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था, उसने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई और वह उस सीढ़ी के सहारे उस किले के नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह उस किले के जितने नीचे जाने लगा, उसे थोड़ी सी बदबू नजर आई। वह उस बदबू को सूंघकर सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है नीचे, इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है। उसने सोचा कि क्यों ना वो यहाँ से चला जाए, लेकिन उसने नीचे जाने का मन बना लिया था। और जब वह नीचे पहुँचता है, तब देखता है कि वहाँ पर कई सारी सड़ी गली लाशें पड़ी है और उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है। और जैसे ही वह मुड़ता है, आगे के गाने हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।